मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल बीजे ब्लॉग्स। मैं आप लोग के सामने आ आया हूँ नया वीडियो के साथ। आज आप लोग के सामने मेरी गांव में मेरी दोस्त लोग, मेरी गांव की लोग किस तरह से खेत करता है और अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है वो आप लोग के सामने, आप लोग के साथ गांव की लाइफ शेयर करूँगा। स्टाइल देखने के लिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ जरूरी है, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज आ रहा हूँ मेरे दोस्त के घर, चलो वीडियो स्टार्ट कर। मेरे दोस्त, मैं ये दोस्त के घर आया हूँ आज। ये मेरा दोस्त है, आज मेरे दोस्त की फार्म देखेंगे। केला का बागीचा क्या है, कद्दू का खेत, पपीता का खेत और नागा मिर्च का, और बहुत सारा आज आप लोग के सामने में मेरे दोस्त की मेहनत, कितना मेहनत के साथ काम किया है वो दिखाऊंगा आप लोगों शुरू के करते सामने। हैं केला के बागीचे से। मेरे दोस्त की केला के बागीचा सबसे पहले आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। ये है मेरी दोस्त की केला के बागीचा, बहुत शानदार, बहुत ही कमाल केले के बगीचा, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे दोस्त काम कर रहा है बगीचे में, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। ये देख सकते हैं आप, ये केला आना शुरू हो गया। ये देख सकते, टोटल कुल मिला के इसमें 450 पेड़, मतलब कद्दू का पेड़ लगाया गया है। ये लगभग एक डेढ़ महीने के अंदर पूरा कद्दू का फल ही फल हो जाएगा चारों तरफ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया नजारा है खेत का, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, असम का खेत। देख सकते हैं चारों तरफ पूरा हरियाली हरियाली है, पूरा खेत ही खेत है चारों तरफ। असम मेरे दोस्त के पूरा खेत ही खेत है, देख सकते कद्दू का खेत। अभी आप लोग को साथ हल्दी का खेत दिखाएंगे और ब्लैक 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 दाल भी दिखाएंगे आप लोग के साथ। ये देख सकते हैं आप, सरसों का पेड़, दाल। आज मेरी दोस्त के कंट का खेत है, कंट इन इंग्लिश में गोरसे बोलते हैं इसको, गोरसे। देख सकते हो कंट का खेत, इंग्लिश में गोरसे बोलते हैं, पूरा खेत ही खेत है। देख सकते हरियाली, पूरा हरियाली, मौसम नजारा है। उधर सरसों का है, सरसों का भी है। ये देख सकते हैं कंट, इंग्लिश में गोरसे। ये अनुपम जो हम लोग मस्टर्ड ऑयल अनुपम खाता है, इस चीज से बनाया जाता है। इसका जो फल होता है, फल से अनुपम मस्टर्ड ऑयल बनाया जाता है। आप लोग को देख सकते हैं ये ऑसम नजारा है। ये है अनास का खेत, इंग्लिश में बकवीट बोलता है, इससे क्या है मैदा बनता है। देख सकते हैं आप कितना हरियाली है, ऑसम नजारा है अनास का खेत का। ग्रीन पे यानी हरी मटर के खेत में देख सकते हैं आप कितना, बहुत ही बढ़िया ग्रीन पे। ये मेरी दोस्त की ग्रीन पे का खेत है यानी हरी मटर, बहुत ही शानदार असम नजारा है। मेरे दोस्त के घर में बहुत खेत, कोई भी सब्जी, हरा सब्जी कोई भी खरीदना नहीं पड़ता है, वो घर में सब कुछ खेत कर लेता है। देख सकते हो कितना बहुत ही बढ़िया हरा मटर का खेत। मेरे दोस्त की फूल गोभी का खेत देख सकते हैं, ये फूल गोभी है, निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। ये कोई बिना केमिकल वाला गोभी है, ये प्योर जैविक खार से बनाया खेत किया गया है, इसमें कोई रासायनिक केमिकल या दवाया नहीं डाला जाता है, ये पूरा प्योर। कितना बहुत ही बढ़िया खेत है देख सकते हैं आप फूल गोभी का। आप
मैं दिखाने जा रहा हूँ मेरी दोस्त की नागा मिर्च बोलता है, जो नागा मिर्च का खेत देख सकते हैं आप कितना शानदार तरीके से लगा है। ये इसका ऊपर ये प्लास्टिक का लेप दिया गया है और ये जमीन को थोड़ा हाइट किया गया है क्योंकि इसमें पानी ना इकट्ठा हो पाए और ये पेपर देने का मतलब है इसमें घास ना आ पाए। देख सकते कितना सुंदर तरीके से ये ओन नो केमिकल ओनली ये क्या है गुरु गाय का गोबर के साथ इस मिट्टी के साथ मिला के इसको लगाया गया है। देख सकते हो कितना शानदार तरीके से लगा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ऑसम। फ्रेंड्स मेरे दोस्त का खुद का नर्सरी है, वो अपना बीज खुद लगाता है और खुद ही मतलब सब कुछ बनाता है। देख सकते हैं आप कितने शानदार तरीके से नर्सरी में ये पपीता का जो छोटा बीज है उसको लगा के रखा है, इसको सिर्फ जाके लगाएगा। देख सकते हैं आप ऑसम। फ्रेंड्स ये है मेरी दोस्त रोनेन गैरी, ही इसी का गार्डन में हम लोग आज आप लोग को जो खेत दिखाया वही इसी का है। बहुत मेहनत के साथ खेत करता है मेरे दोस्त है। अभी लेके चलते हैं पपीता की फल दिखाने आप लोग को, चलो। देख सकते हैं पपीता तो कितना शानदार तरीके से लग रहा है, ये पूरा पपीता का पेड़ है। प्योर ऑर्गेनिक, हाँ ये सुपारी का पेड़ देख सकते हैं आप, टोटल ऑर्गेनिक, नो रासायनिक खार बिना प्रयोग से पूरा ऑर्गेनिक खार द्वारा ये खेत करता है। देख सकते हैं आप लोग ये सुपारी का केल, ये देख सकते हैं आप ये गोबर इकट्ठा किया गया है, पूरा ऑर्गेनिक खार जो बनता है इसी से बनता है। ये गोबर है गाय का बैल का, ये गोबर है गोबर से खार पूरा ऑर्गेनिक प्योर तरीके से बनाया जाता है। देख सकते हैं आप ये सर के इस तरह से खार बनता है, ये देख सकते हैं पूरा गोबर को रखते हैं जमीन ये सर जाता है पूरा, तो ये पूरा ऑर्गेनिक खार है। इसी तरह ये खेत करता है बिना केमिकल बिना दवाई डाले हुए। ये देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया उसका ग्रोथ है। ये कद्दू का पेड़ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, एक प्योर ऑर्गेनिक खार के ऊपर ही लगाया गया है। देख सकते हैं आप कितना शानदार ग्रोथ है इसका, आप चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली, इतना बढ़िया सुंदर ग्रोथ है हर चीज का। आप देख सकते हैं सुपारी का, ये पपीता देख सकते हैं, पपीता का पेड़ कितना बड़ा हो रहा है, देख इतना देख सकते कितना लगाया है पपीता, सबसे सुंदर। नई नई जानकारी के लिए देखते रहे मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बाय बाय।